हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय नेम इज शायोनी। सो गाइस, तो कुछ दिनों पहले मैंने एक पोल किया था कि आपको मेरी इयररिंग्स कलेक्शन देखना है या नहीं, एंड बहुत ज्यादा भर भर के वोट आया था कि मेरी इयररिंग्स कलेक्शन आप लोगों को देखना ही देखना है। सो गाइस, तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ मेरी जो इयररिंग्स कलेक्शन है वो मैं शेयर करूंगी। तो मेकअप में लिपस्टिक एंड मस्कारा एंड ज्वेलरी में इयररिंग्स एंड रिंग्स आर माय मोस्ट फेवरेट थिंग्स, एंड आई लव इयररिंग्स। मैं हमेशा जितना भी मैं खरीदूं मेरे लिए कम ही होता है इयररिंग्स, सो आई जस्ट लव इयररिंग्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में जाने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, बस ज्यादा कुछ प्रेशर लेने की या कम ज्यादा ये सब कुछ सोचने की, कंपेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जस्ट देखो वीडियो एंड एंजॉय करो एंड लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो बट अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस, चलिए आज़ाद देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वैसे सबसे पहले जो ये दो स्टड इयररिंग्स का बॉक्स है, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड मैं मेरी जो सभी इयररिंग्स है वो मैं बॉक्सेस में रखती हूँ। तो चलिए पहले ये जो बॉक्स है ये मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। सो मैंने ये जो बॉक्स है, तो इसमें जो बिग साइज की ये जो स्टड इयररिंग्स था वो मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये एक फोन का बॉक्स है, एज यू कैन सी गाइस। तो ये फोन के बॉक्स में ये काफी ज्यादा हर्डी होता है एंड या तो काफी ज्यादा ये स्टडी है ये बॉक्स। तो सो आप इस तरह के जो फोन के बॉक्सेस है तो उसको ना फेंक के आप इस तरह से स्टोरेज बॉक्स आप बना सकते हो। देन ये वाली इयररिंग्स एक लोकल मेला चल रहा था हमारे यहाँ पे, तो वहां से मैंने लिया था। ये कोई सीड्स का है, कौन सा सीड है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बट सम काइंड ऑफ सीड्स से बना है ये इयररिंग्स। सो क्योंकि ये जो स्टडी इयररिंग्स है ये बहुत ही छोटी है ये स्टड इयररिंग से, तो इसके लिए मैंने इस तरह की जो डिवाइडर वाली जो बॉक्सेस है ये भी ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं दे दूंगी। तो इस तरह की जो डिवाइडर बॉक्सेस है तो इसपे आप जो अपनी छोटी छोटी इयररिंग्स है या छोटे छोटे जो ज्वेलरी है वो आप रख सकते हो, लाइक रिंग्स एंड ऑल। एंड ये जो डिवाइडर्स है ये आप रिमूव कर सकते हो लाइक दिस, तो अकॉर्डिंग टू योर नीड। सबसे पहले यहाँ पे ये दो स्टोन की स्टड्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो मैंने इसको सेपरेट रखा हुआ है ताकि जो स्टोन्स है वो निकल ना जाए। सो हेयर इज फिश कटिंग स्टोन इयररिंग, इट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। ये थोड़ा सा रोज गोल्ड कलर का है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट यहाँ पे दो छोटे छोटे मेटल्स के स्टड इयररिंग्स है लाइक दिस। नेक्स्ट यहाँ पे मेरी ईयर की जो सेकेंड पियर्सिंग है तो उसमें जो इयररिंग्स मैं पहनती हूँ तो वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। सो यहाँ पे एक और इयररिंग मैंने रखी हुई है जो कि आप दो पियर्सिंग में पहन सकते हो, इस तरह से मेन पियर्सिंग एंड द सेकेंड वन में। सो एंड ये सेक्शन में सारे स्टोन है। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे एज यू कैन सी सारे मेटल्स के इयररिंग्स है। सो यहाँ पे ऑक्सीडाइज एंड गोल्डन। सो दिस वन इज अ बटरफ्लाई, दिस वन इज अ बी, एंड यहाँ पे एक टर्टल भी है, लेट मी शो यू। या इट्स अ वेरी क्यूट लिटिल टर्टल, बहुत ज्यादा क्यूट है। तो इस तरह से जो भी सारे मेटल्स के इयररिंग्स हैं, एज यू कैन सी गाइस, वो मैंने ये जो सेक्शन है यहाँ पे रखी हुई है, एंड यहाँ पे एक टर्टल चला गया है। ओह नो, सो दिस इज एन आउल, दिस इयररिंग्स, देन दिस इज एन हाफ वाटरमेलन, जो हाफ है वो मैंने खा लिया है। दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक की जो है वो मैं, एंड देन यहाँ पे जो छोटी छोटी झुमकीज है लाइक दिस,
ब्यूटीफुल जो छोटी छोटी झुमकीज हैं वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। सो नेक्स्ट अप गाइस, ये बॉक्स आप देख रहे हो, इसमें मेरी सारी हुप इयररिंग्स हैं एंड मुझे हुप इयररिंग्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैंने ये बॉक्सेस में सारी की सारी मेरी जो हुप इयररिंग्स हैं वो मैंने रखी हुई है। मेरी सारी की सारी हुप इयररिंग्स हैं, कुछ कलरिंग है लाइक बेबी पिंक, पिंक, यहाँ पे एक और पिंक है लाइक दिस, डिफरेंट शेप्स का है जैसे कि हाफ सर्कल है एंड इसमें थोड़ा सा स्पर्कल शिमरी काइंड ऑफ है, थोड़ा सा यू नो रेट्रो काइंड ऑफ लुक देता है ये हुप इयररिंग। कलरिंग स्क्वायर इयररिंग्स है बेबी पिंक एंड पिंक, देन ये भी हाफ सर्कल है हुप इयररिंग्स एंड ये मेटल का है, ये भी हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल है, देन ये भी एक हाफ सर्कल हुप इयररिंग है रेड कलर की। तो ये जो कलरिंग इयररिंग्स है ये मैंने आई थिंक आज से 9 या 10 साल पहले मैंने खरीदा था जब मैं स्कूल में थी, तो तब मैंने ये जो कलरिंग आप देख रहे हो ये मैंने लिया था, तो ये अभी तक है मेरे पास, मैंने बहुत ही संभाल के रखा हुआ है। देन दिस वन इट्स अ लिटिल बिट प्रिंटेड राउंड हुप इयररिंग। तो ये सबसे बिगर साइज की हुप इयररिंग्स है, देन ये उससे थोड़ा सा छोटा है दिस हुप इयररिंग एंड देन ये गोल्डन जो है ये थोड़ा सा छोटा है। सो नेक्स्ट गाइस, मेरे पास इस तरह की 3 बॉक्सेस है, एज यू कैन सी 1, 2 एंड 3, तो जिसे मैंने अकॉर्डिंग टू कलर्स जो इयररिंग्स है वो मैंने सेपरेट करके रखा हुआ है। ये सारे डिवाइडर बॉक्सेस है जो आपको अमेजोन में मिल जाएगा, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो चलिए मैं 1 बाय 1 जो बॉक्सेस है आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो हियर इट इज गाइस, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी सारी जो ब्लू एंड ग्रीन एंड थोड़ा बहुत ग्रीन टच या ब्लू टच जो इयररिंग्स है वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है एंड क्योंकि ये जो सेक्शंस है ये काफी ज्यादा यू नो डीप है, तो इसके लिए मैं 2 इयररिंग्स भी एक साथ रख देती हूँ। यहाँ पे मेरी सारी वाइट गोल्डन एंड थोड़ा बहुत ब्लैक कलर की इयररिंग्स है, यू कैन सी गाइस। एंड लास्ट डिवाइडर बॉक्स में जैसे कि आप देख सकते हो पिंक, ऑरेंज, रेड, मरून एंड पर्पल, बेबी पिंक, तो इस तरह की इयररिंग्स मैंने रखी हुई है। ये सेक्शन में
फेदर्स की इयररिंग्स हैं दो तीन, ये रेड वाली, देन ये तीन चार कलरिंग जो फेदर्स की इयररिंग है, जस्ट चेन विथ फेदर, तो इस तरह की इयररिंग है। तो ये लास्ट जो बॉक्स है वो रह गया है, एंड ये बॉक्स में मेरी जो सबसे बिग स्टेटमेंट इयररिंग है वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। सो गाइस, तो ये रही मेरी सारी की सारी स्टेटमेंट, बिग स्टेटमेंट इयररिंग्स। तो वहां पे जो बॉक्सेस है उसमें मीडियम स्टेटमेंट इयररिंग्स है, तो यहाँ पे बिग बिग स्टेटमेंट इयररिंग्स है। आपको मेरी इयररिंग्स कलेक्शन कैसा लगा है, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना है, ताकि मुझे और भी ज्यादा इंस्पिरेशन मिले और भी अच्छा अच्छा वीडियोस बनाने के लिए एंड आपको प्रेजेंट करने के लिए। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि वो बेल आइकन अगर आप प्रेस नहीं करोगे तो जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा एंड आप मेरी वीडियोज मिस कर देंगे। सो बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।